मही, मैं तुम्हारे लिए चाय लाई हूँ। सासु माँ, मेरा मन तो नहीं मान रहा है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? ओ, मैं जानती हूँ, तुम ये सब मेरी भलाई के लिए कर रही हो। चाय ले लो। हरी चाय? हाँ, ग्रीन टी। क्या है मही, दूध, शक्कर, चाय पत्ती, ये सब कहाँ ढूंढते फिरूं मैं? इसलिए ग्रीन टी लेके आई, एक दिन के लिए चला लो। चला लेती सासु माँ, लेकिन क्या है ना, ये गले के नीचे नहीं उतरेगी। नहीं भोली है मेरी बहू, भोली दुरारी चापली बहू। चापली कही। ओहो, कौन सी चीज कहाँ रखी है कुछ पता नहीं है मुझे। सासु माँ, क्या बना रही हो नाश्ते में? नाश्ता? कुछ सोचा नहीं है मैंने। अच्छा, तो थेपला बना दीजिए, भाभी कैसा रहेगा? हाँ, कॉफी विद थेपला मस्त चलेगा। बस बस सोनिया, इतना ताना मारने की जरूरत नहीं है, समझ गई मैं। कॉफी विद थेपला मैंने भी कभी नहीं लिया है। तुम्हारे लिए टोस्ट बटर बना दूं। थैंक यू। वैसे वो बाबा ने ऐसा बोला नहीं है कि बड़ी बहू की भी सेवा करनी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। थैंक यू सो मच मॉम, सेवा मही की और फायदा सोनिया को, मस्त है। अच्छा, थेपले का आटा कहाँ है? वो उधर सासु माँ, ऊपर जो तीसरा खाना है ना, उसी के अंदर है। ऊपर? मॉम को परेशान होते हुए देखकर बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। ना ना सागर जी, अरे मैं सासु माँ पर नहीं हंस रही हूँ, मैं तो अपनी माँ पर हंस रही हूँ, और माँ पर तो कोई भी हंस सकता है ना, आपको पता है सागर जी, आज मैंने मेरी माँ से दो बार चाय नाश्ता बनवाया, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था। हाँ, थोड़ा बुरा भी लग रहा था, पर मैं क्या करती। हाँ हाँ, तुम तो मजबूर हो ना। सच है, आपको बताया सागर जी, फेरा खड़ी बिना मैं मेरी माँ को क्या हुक्म देती थी, मम्मी मेरे लिए ये नाश्ता बनाओ, मम्मी मेरे लिए वो सब्जी बनाओ, मम्मी चाय क्यों नहीं बनी, मम्मी मेरा पानी गर्म क्यों नहीं हुआ, ये वो फलाना ढिकना। लेकिन सागर जी, ऐसा हुक्म मैं सासू माँ को तो नहीं देती ना। हाँ, क्योंकि यही एक चीज है जो बाबा जी ने कहा नहीं है कि तुम अपनी सासू माँ पर भी ऑर्डर चला सकती हो, इसलिए। अच्छा सागर जी, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। देखिए, वैसे भी आज आपकी छुट्टी है, तो मैंने सासू माँ को जो लिस्ट दिया है ना मेरे काम का, तो आप जरा मदद कर दीजिए ना उनको, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे हाँ, मैं और रोहित भाई तो मॉम की मदद कर ही सकते हैं ना। यस, मैं अभी जाता हूँ। हेलो बुलन बाबा, जय अम्बे। क्या जरा चेक कर रही थी परीक्षा। ऊपर वो कर छु। हाँ, थोड़ा और ऊपर जाऊं। देखो मॉम, सुने ने रंगोली बनाई है ना। अरे रे मॉम, ये आप क्या कर रही, लाइए मुझे दीजिए, आप आराम कीजिए। हाँ मॉम, हम ये सब कर लेंगे। लगता है थोड़ा आराम करना पड़ेगा, वरना पूरा दिन कैसे निकलेगा। सागर जी, रोहित भैया, रुक जाइए, सासु माँ की मदद मत कीजिए। क्यों?
अभी अभी बाबा का फोन आया था, उन्होंने कहा कि आपकी कोई मदद ना करे, सारा काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। और सच में उन्होंने ये भी कहा कि जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा ना, आपको थोड़े और ज्यादा मुश्किल काम करने पड़ेंगे। ज्यादा मुश्किल काम मतलब? पानी की टंकी के अंदर उतर कर आपको पूरी टंकी साफ करनी होगी। क्या? पानी की टंकी के अंदर उतर कर पूरी टंकी साफ करो? कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं करूंगी मैं। और भी है ससमा, आपको कपड़े भी धोने पड़ेंगे। अरे कपड़े धोना मुश्किल काम नहीं है मही, वो तो वॉशिंग मशीन में भी डाल सकती हूँ। हाँ हाँ ससमा, लेकिन अगर मशीन ही बिगड़ गया हो तो हाथ से कपड़े धोना बहुत मुश्किल काम होता है। वॉशिंग मशीन बिगड़ गया है? हे भगवान। कॉफी पी लीजिए। नहीं, मैं तेरे हाथ की कॉफी नहीं पी सकती। अच्छा ठीक है, मैं आपको बाम लगा देती हूँ। रहने दे, तुम अगर मुझे बाम लगाओगी तो बुलंद बाबा ने जो उपाय बताया है उसका क्या होगा? सासु माँ, आप मुझे ताना मार रही हो। अरे मैं ताने नहीं मार रही हूँ, मैं सीरियसली कह रही हूँ। आप एक काम कीजिए सासु माँ, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। नहीं नहीं, अब सिर्फ 2 घंटे ही बाकी है, पूरा दिन तो निकल गया, अब भगवान करे ये 2 घंटे अच्छे से निकल जाए। सोनिया के पास आपके लिए 2 खबर है, एक अच्छी और एक बुरी, ये मुझे डिसाइड करना है। हाँ मॉम, बोलो। देखो पहली खबर ये है कि आपको कल भी मई की सेवा करनी है। ये बहुत बुरी खबर है। दूसरी? ओके, तो दूसरी खबर ये कि आज चांद नहीं निकलने वाला क्योंकि आज अमावस्या है, और बाबा ने ये कहा है कि जब तक आप चंद्र दर्शन नहीं कर लेते तब तक आप अपना प्रण नहीं तोड़ सकते।